लिए आज की इस दोपहर के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदा कि तूने आज का हमें ये दिन अता फरमाया, आज की ये शाम हमें अता फरमाई कि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सके और तेरा तख्त यहाँ लगा सके। खुदा तूने कहा है जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ, चाहे हमारे पास चर्च की बिल्डिंग नहीं है खुदा पर तू जिंदा आसमानी बाप तो हमारे पास मौजूद है, तेरा तख्त यहाँ मौजूद है, तेरा पाक लहू हमें मुहैया करता है, तेरा पाक लहू हमें प्रोटेक्ट करता है खुदा। हम दिल की ताग्राही से आज के इस दिन के लिए और आज यहाँ जो मेरे भाई मौजूद हैं खुदा इन सब की दुआओं से इन सब के सपोर्ट से हम जो आज चर्च का आगाज यहाँ करने वाले हैं खुदा तो इस सारे इंतजाम को पूरा करना है खुदा, एक एक रूह को बचाना है खुदा, एक एक घराने को बरकत देना है खुदा। तेरा पाक लहू इन सभी घरानों को बरकत दे, इनके बच्चों को बरकत दे, इनके जनरेशन को बरकत दे, इनकी नस्लों को बरकत दे खुदा। तेरा तख्त यहाँ से बढ़कर आने वाली जगहों पर लगने बचाए खुदा। हम ये आज यहाँ चर्च जो आगाज कर रहे हैं खुदा, आने वाले दिनों में हम आने वाले मूवमेंट में और भी जगह पर इस चर्च का आगाज करें और दी होप फॉर पाकिस्तान चर्च का तख्त हर जगह पे लगे। यसु तेरा तख्त हर जगह पे लगे खुदा, और तेरे नाम के वसीला से हम जानों को बचाने वाले बन सकें, जानों को बरकत देने वाले बन सकें, इनको नई जिंदगी सिखा सकें, तेरे कलाम की मुनादी कर सकें, तेरे कलाम इनकी जिंदगी में डाल सके, तेरे कलाम के वसीला से इनकी बच्चों को फैमिलीज को बरकत दे सके खुदा। चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो रुपये पैसे की सूरत में हो, चाहे वो पेशगी की सूरत में हो खुदा, एक एक चीज़ को बरकत देना खुदा, हर मुश्किल को